गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं स्टोन आर्ट। तो स्टोन आर्ट में, जैसे कि इसका नाम है स्टोन आर्ट, तो इसमें हम स्टोन पे पेंटिंग्स बनाएंगे। तो स्टोन में हम जो पेंटिंग बनाएंगे उसमें हम बर्ड्स, फ्लावर, इंसेक्ट्स और लैंडस्केप एट्सेट्रा आदि चीज़ें हम इसमें ले सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये स्टोन है और ये काफ़ी स्मूथ लग रहा है। तो इसमें आपको मालूम है स्टोन की जो शेप्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इसमें मैंने ये स्टोन लिया है और ये आपको अगर कहीं से अगर स्मूथ ना लगे तो आप सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं उसको प्लेन करने के लिए। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टोन लेंगे। तो अब देखिए, इस पे जो आपके सामने जो स्टोन्स दिख रहे हैं इन पे मैंने कर्नाटका का जो कल्चर है वो रिफ्लेक्ट किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि CBSE ने हमें अब के प्रोजेक्ट दिया है कि आप जो पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए आप प्रोजेक्ट बनवाते थे, वो अब के आप ऐसे ऑनलाइन स्टडी में उनको फॉलो करोगे। तो इसमें देखिए, मैंने जो कर्नाटका में जो कर्नाटका के जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनका कल्चर है, जैसे ये कथकली के जो फेसेस वगैरह बनाए हैं मैंने, ये ओनम जो कर्नाटका वगैरह में ओनम का जो फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, ये बोट्स वगैरह दिखाई हैं। उधर बनाना जो लीफ हैं, उन लीव्स हैं उनको काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो वो मैंने ये दिखाए हैं। अम्ब्रेलास दिखाई हैं। तो ऐसे आपको क्या है, आप जो भी काम करोगे उनमें आपके कर्नाटका का जो कल्चर है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये मैंने स्टोन जो आर्ट है उसमें आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम कर्नाटका का जो कल्चर है उसको हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये स्टोन है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टोन आर्ट में हम सबसे पहले स्टोन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा जो स्टोन है वो स्मूथ है। उसके बाद हमें जो बनाना होता है उसकी हम पेंसिल से ड्राइंग करते हैं। तो जैसे मेरे को बनाना है, जैसे मेरे को एलिफेंट बनाना है, एलिफेंट का जो फेस है, तो मैं कैसे इसको ड्राइंग करूँगा। ये एलिफेंट की मैंने आई बनाई है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे पहले आप हल्के से ड्राइंग करोगे जो भी चीज़ें आपको बनानी हैं। इसमें आप एक्रिलिक कलर, पेंट कलर और अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग कलर का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, मैंने पहले ये हल्के से ड्राइंग बनाई है कि मेरे को एलिफेंट का फेस बनाना है। अब मैं इसमें, ये मेरे पास गोल्डन कलर है एक्रिलिक, इसको मैं कहीं कहीं पे अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो मेरी रिक्वायरमेंट है ऐसे मैं कलर को यूज़ करूँगा। कई बार हम प्राइमर को भी यूज़ करते हैं ताकि जो हम कलर करें वो उसकी फ्रेशनेस बनी रहे और उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा हो। तो ऐसे मैंने कहीं कहीं पे जैसे कलर यूज़ किया है ताकि मेरे को अलग अलग इफ़ेक्ट प्राप्त हैं।
तो इसके लिए डियर स्टूडेंट हम बारीक ब्रश लेंगे, 0-3 जो नंबर की जो ब्रश हैं वो इसके लिए परफेक्ट हैं। स्टार्टिंग में हम फ्लैट ब्रश का यूज़ करेंगे। तो ऐसे आपको कर्नाटका पे उसके कल्चर को लेके, कर्नाटका स्टेट के आपको ऐसे अपने आर्ट वर्क्स तैयार करने हैं। तो देखिए आपको ये मेरा जो प्रयास है वो अच्छा लगा होगा। तो आपके लिए असाइनमेंट में ये प्रोजेक्ट है कि आप जो कर्नाटका के जो कल्चर को लेके आप आर्ट वर्क्स तैयार करोगे। इसमें आप बाद में वार्निश वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको चमक वगैरह बढ़ानी है। तो डियर स्टूडेंट आपको मेरा ये प्रयास आशा है पसंद आया होगा और इसे आप फॉलो करोगे। तो इसको हम स्टोन आर्ट के नाम से जानते हैं।